ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਟੈਂਟ ਮਾਈ ਪਾਗੋ ਨਿਵਾਸ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਾਈ ਐ ਖੰਡੇਲੇ ਵਾਲੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਾਈ રે ਸਭ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਹਾਂ ਸੋਨਿਆ ਆਇਆ ਜੇ ਅਰਾਜ ਤੰਬੂਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਉਕਰ ਲੱਟੂ ਸੱਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਾਰੇ ਅਰ ਭਾਈ चौबीस ने पच्चीस ने छब्बीस ने पूरे आओ भीड़ करनी है छब्बीस जनवरी की डाल, और जब जाकर अपने कदे नहीं सोचते हो बैठ जाओ घर हाँ मोदी ने कर दिया बिल रद्द इसकी कोई तसली नहीं फिर सही बिल रद्द हो गए हैं सबको बहुत बहुत मुबारके अभी जो आगे के कहने का मतलब था कि एमएसपी भी फिक्स करवानी है उनतीस तारीख को जो जाके और कुछ मांगे हैं जो एक संसद में जाके आएंगी और वो सारी चीजें जैसे एमएसपी फिक्स करने की बात हो जो एक लिखती रूप में जो बात होनी है पूरी तरीके से वो उनतीस uh, तारीख को आई थिंक सो जो पार्लियामेंट लगेगी तब होगा और मैं आप सब लोगों को अपने टेंट्स टेंट दिखाती हूँ जो बेसिकली काफ़ी टाइम से खोले भी नहीं थे देखो ये खाट वो ताई बैठी हुई है वहाँ पे और ये देखिए ये जो टेंट है वहाँ से टेंट किसी ने तोड़ दिए मेरे कुछ बाहर ये मेरी किचन है जो कि यहाँ से खिसकती हुई वहाँ चली गई है और ये यहाँ मेरे टेंट थे मेरे जो मेरा कमरा है जहाँ पे मैं सोती हूँ रात को और वो यहाँ पे है मैं आपको अंदर दिखाती हूँ ये है जी मेरा टेंट टिकरी बॉर्डर पे और क्योंकि ये फ्रिज है हमने रख रखी है यहाँ पे सो आप समझ सकते हैं हम यहाँ पे किस तरीके से हमने एक साल काटा है लोगों के बीच में ये छोटा सा ड्राइंग रूम आगे ये हमारा टेंट ये भी टेंट है सो मैं चाहती थी कि सभी लोग देखें क्योंकि अब तो हम उनतीस तारीख के बाद इन वापस घर वापस जाएंगे खुशी खुशी ये हमारी पुरानी यादें बहुत सारी पिक्चर्स दी थी सभी ने इंकलाबी फोटो दुर्गा भाभी की फोटो लगी हुई है गदरी गुलाब कौर जी की फोटो लगी हुई है और माई पागो निवास में माई पागो जी की फोटो लगी हुई है हमारा हल जो खंडेला से गांव से मुझे मिला था वो है और माई पागो जी की फोटो लगी हुई है वो भी कुछ तस्वीरें जो हमें दी थी किसी ने और ये माई पागो जी की ये माई पागो चैरिटी हमारी है और हाई पागो निवास जहाँ औरतों के लिए हमने ये भी एक बहुत बड़ा हल था जो मुझे दिया गया था किसान एकता जिंदाबाद हाँ सिर लिखा हुआ है इसके ऊपर सो ये है टेंट हमारे टिकरी बॉर्डर के यादें रह जाएंगी मेरी जिंदगी का पहला आंदोलन था ये और ये टेंट्स हैं आप देख सकते हैं तो अभी ताई भी देख लो लाइव देख रही है अपने फ़ोन से ताई इसको बंद करो उसकी आवाज़ आ रही है सो so, मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ जो 26 की कॉल है यहाँ पे आप लोग आइए ज़रूर और दिल्ली में आने के लिए बोला है वैसे सभी लोग आ रहे हैं मैं भी इसीलिए आई थी और कल हरियाणा में एक प्रोग्राम है वो अटेंड करने के लिए जाऊंगी इसके बाद और किसान एकता ज़िंदाबाद का नारा हमेशा आ, बुलंद रहेगा और हमेशा जो किसानों की मांग है मांगे हैं वो आगे रखी जाएंगी चाहे वो एमएसपी की बात हो चाहे वो आ, दूसरी फसलों की एमएसपी की बात हो जो कि जरूरी है पंजाब में और यूपी में भी यूपी की एमएसपी भी फिक्स करवानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ के भी किसान काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ पे बैठे हुए हैं और उसकी आवाज़ कम करना सो so, बेसिकली मेरे साथ इस टाइम पे ग्यारह हज़ार से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं मेरे लाइव में सो so, मैं थैंक यू कहती हूँ सभी को आप लोग इतना कीमती समय निकाल के मेरी बात सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं सो so, जितने भी लोगों ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया आप लोगों को धन्यवाद मैं सभी का करना चाहती हूँ क्योंकि आंदोलन में हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए अभी तो फिलहाल हमें ये लगता है कि हमारा दिल कैसे लगेगा घर पे क्योंकि इतना सही बातें नहीं लगता ताई ने सही कहा क्योंकि इतना इतना भाईचारा इतनी अच्छी सांझ हम सब लोगों की पड़ चुकी थी आपस में जैसे हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी मतलब इतना अच्छा भाईचारा हमें आपस में इतना प्यार बन चुका है कि घर जाते हुए भी अभी लगता है कि हाँ हम घर वापस चले जाएंगे बट बीजेपी गवर्नमेंट ने मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया हम सब लोगों को मिला के हमारे अंदर इतनी अच्छी एक एकता है आज आंदोलन में मुझे ताई मिली है मन मिली <laughs> हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा है हमेशा इसी तरीके से बुलंद रहे और बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आ, बाकी अफवाहों पे ज़्यादा हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और बाकी किसानों के साथ हमेशा रहना चाहिए किसानों की बातें और किसानों की चीज़ों को आगे बढ़ के रखना चाहिए यही कहना चाहूँगी और कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के जवाब दूंगी जो लोग भी मुझे देख रहे हैं तो मैं तो सभी स्टूडेंट्स को भी यही बोलूंगी कि आप लोगों को भी ये प्रोटेस्ट ज्वाइन करना चाहिए था मैंने बहुत इन्जॉय किया मेरा पहला प्रोटेस्ट था बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मुझे इस आ, किसान प्रोटेस्ट से पिछले एक साल से बॉर्डर पे हूँ और बहुत सारी आ, मुश्किलों का भी सामना किया बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी जिंदगी का अभी मुझे लोग पूछते हैं मैडम नेक्स्ट प्रोटेस्ट कहाँ पे तो मैंने बोला मुझे कश्मीर से बहुत मैसेजेस आते हैं <laughs> तो आई बिलीव तो मैं कश्मीर ना जाऊं कश्मीर से मुझे काफी मैसेजेस आते हैं कि आप यहाँ पे भी आओ तो मैंने ताई से पूछा मैंने कहा अभी आपको कश्मीर चलना है मेरे साथ हम दोनों जावांगे कश्मीर में आड़ा तो जीत, जीत किसान भी बैठे <laughs> अभी हमें प्रोटेस्ट करने की आदत पड़ चुकी है एक्चुअली सही बात है प्रोटेस्ट करने की जिसको आदत पड़ जाए ना वो इंसान लोगों के लिए ही मरता जीता है वो प्रोटेस्ट करता है चाहे किसी भी रूप में प्रोटेस्ट करें हमने जिंदगी जिंदगी हमने किसान मजदूर मजदूर की सेवा करेंगे हाँ सही बात है घर पे तो अब सच्ची में दिल नहीं लगता अब जब हम लोगों में रहते हैं जब इतना प्यार हो जाता है सभी के साथ मिलजुल के तो तब घर पे तो वैसे भी दिल नहीं लगता तो मेरी जिंदगी का एजेंडा यही है कि कहीं पे भी चाहे भारतवर्ष में कहीं पे भी कोई भी तरीके का किसी भी तरीके की कोई गलत बात हो उसके मुद्दे उठाना और उसके बारे में बात करनी और आज मैंने सुबह एक वीडियो जारी की थी और उस वीडियो में मैं फिर से बोल देना चाहती हूँ देखिए इलेक्शंस के टाइम पे बहुत लोग Uh, बहुत पॉलिटिशियंस uh, और बहुत लोग जो हैं अपने अपने हलकों में uh, चाहे वो स्पोर्ट्स किट्स बांटते हैं चाहे वो सूट्स uh, बांटते हैं चाहे वो लड़कियों की शादियों के बारे में बात करते हैं तो मेरे को ये लगता है कि पाँच साल तो पूरे पाँच साल तो ऐसी कोई बातें होती नहीं जाके इलेक्शंस के पास करते हैं तो चलो मैं उन उनको तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी बट मैं आप लोगों को ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप लोग uh, आप लोगों में ये कमी है जो लोग ये सारे तोहफे लेते हैं उनसे उनको नहीं लेने चाहिए क्योंकि आपको अपनी एक कीमत एक सूट के बराबरी नहीं देनी चाहिए और ना ही एक किसी से कुछ भी लेके आप अपने आप को प्लीज़ अपनी कीमत मत लगाइए वो आप अपने बच्चों का फ्यूचर सोचिए आप अपनी वोट की कीमत रखिए अपनी कीमत रखिए आप ऐसी बातों में आपको पॉलिटिशियंस की नहीं आना चाहिए मेरा तो सिर्फ यही कहना है करप्शन से बचना चाहिए अगर हम करप्शन हमसे स्टार्ट होती है हम दूसरी पार्टियों को गलत बोलते हैं हम पॉलिटिशियंस को गलत बोलते हैं गलत वो नहीं होते गलत हम होते हैं क्योंकि करप्शन हमसे स्टार्ट होती है क्योंकि हम लोग आ, हम लोग चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं उन लोगों से हम लोग सूट लेते हैं हम लोग क्रिकेट की किट्स लेते हैं हम लोग डिमांड्स करते हैं तो इसलिए वो लोग आपको लाके देते हैं तो हमारी वो वैल्यू नहीं है कि जो वैल्यू में हम बिक जाते हैं इलेक्शंस के टाइम पे एक शराब की बोतल के पीछे तो मेरी आप लोगों के आगे आ, बिनती है कि आप लोग चाहे किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो मैंने पहले भी बोला है ये पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती चाहे कहीं किसी कि, किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हों आप प्लीज़ अपने आप को अपने ईमान को मत बेचिएगा अपने बच्चों के लिए और अपने लिए सोचिएगा क्योंकि हम अगर जब हम अपना ईमान बेच देते हैं तो हम ऐसे मोर्चे पे आके हमें बैठना पड़ता है फिर से अगर हम इस मो, ऐसे मोर्चों पे नहीं बैठना चाहते तो हमें अच्छे लोग लेके आने पड़ेंगे हमें अपने 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 ईमान को बचा के रखना पड़ेगा हमें आ, आ, हमें हम छोटी छोटी चीजों पे बिके ना। मैं मेरी आ, आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस बार की चाहे वो यूपी में इलेक्शन हो, चाहे वो पंजाब में हो, आप प्लीज किसी से भी किसी भी तरीके की आ, कोई भी चीज <coughs> मत लीजिए आप अपने बच्चों का सोचिए फ्यूचर ये मेरी आप लोगों से बिनती है और मैं मे, मेरी यूथ से बिनती है कि आप अपना फ़ोन और सोशल मीडिया का जो एक इस्तेमाल है वो सही तरीके से अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए चाहे वो आ, अच्छी बातें करके और ऐसी ऐसी वीडियोस बनाइए जो भी आपको लगता है आपके गांव में कोई किसी किसी भी तरह की कोई चीज़ें देता है या लेता है तो आप उसके ऊपर ज़रूर मुद्दा उठाइए बस कुछ ऐसी बातें थी जो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहती थी और बाकी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा हमेशा बुलंद रहेगा और आपकी सोनिया मान हमेशा कहीं पे भी किसी के साथ ना इंसाफी होती होगी या करप्शन की बात होती होगी वैसी बातें हमेशा बुलंद वैसी आवाज हमेशा बुलंद करती रहेगी ताई कुछ कहना चाहती हो आप जय जवान जय किसान निवेडिटेर भाई पर एक हफ्ता और वाट्स से फिर अपनी सारी चीज लेकर चल लेंगे अपने घर चलो किसान एकता जिंदाबाद अभी मेरे साथ इस टाइम पे सत्रह हजार लोग छूट चुके हैं लाइव इंस्टाग्राम पे मैं धन्यवाद करती हूँ सब लोगों का लाइक इतना प्यार बख्शने के लिए और इतना इतने लोग मेरे मेरी बात सुन रहे हैं तो इसलिए मैं आप सब लोगों को यही बोलना चाहूंगी जो मैंने बातें बोली चाहे ये बातें भारत वर्ष के सभी लोगों के लिए है बाकी अगर कोई बात कर करे संदीप सिंह जी अकाली दल के बारे में आप बात कर रहे हैं सारी दुनिया को पता चल गया पर सोनिया मान को नहीं पता था घर पे बैठी को कि वो अकाली दल ज्वाइन कर रही है पता नहीं चीख चीख के लोगों को बोल दिया कि मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर रही थी पहले आपके लिए भी बोला था सभी के लिए बोला था पता नहीं लोग किसी की छवि को बदनाम करने के लिए क्यों लगे रहते हैं चलो ये बात छोड़िए ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पॉर्टेंट बातें जो थी मैंने आपको बोल दी आ, और वही इम्पॉर्टेंट बातें याद रखनी चाहिए जैसे मैंने अभी बोला आपको कि कोई भी एक पार्टी ख़राब नहीं होती सारी पार्टियां खराब होती हैं आपको उसमें से कोई अच्छी छवि वाले इंसान ढूंढने पड़ेंगे अच्छे लोग ढूंढने पड़ेंगे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती बार बार बोल रही हूँ चाहे वो कोई भी पार्टी हो हमारी आ इंसान व्यक्तिगत रूप में भी हमारे जो लोग बैठे हैं सारे सही नहीं होते सारे गलत नहीं होते सो so, हम आसपास के लोग भी देखते हैं स्कूल में पढ़ते थे तो आसपास के सारे बच्चे सही नहीं होते सा, सारे गलत नहीं होते तो इसी तरीके से पार्टियां भी सारी सही नहीं होती सारी गलत नहीं होती और पार्टियों के अंदर भी लोग सही नहीं होते सारे गलत नहीं होते इसलिए आप ये मत बोल दिया कि ये कीजिए कि की, कांग्रेस गलत है जी अकाली दल गलत है जी झाड़ू गलत है जी मैंने पहले भी बोला था आप अपने हल्के का